अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। साथ ही एक खतरा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। हम आज आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे ही कुत्तों के बारे में बताएंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। इनका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जर्मन शेफर्ड। पुलिसिया कुत्तों के रूप में अपनी पहचान बना चुका जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। ये लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटैक करता है, जिसके बाद बच पाना मुश्किल होता है। इनका वजन 30 से 40 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डॉबरमैन पिंस्चर। डॉबरमैन पिंस्चर प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन अब आम घरों में भी लोग इसे पालने लगे हैं। ये खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत भी हो जाता है। इसे काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी। बुलमास्टिफ। बुलमास्टिफ आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है, जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। साल 2014 में अमेरिका के न्यूजर्सी में इसे काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में भी इसके अटैक से एक बच्चे की मौत इसी साल हुई थी। इनका वजन 50 से 59 किलो के बीच होता है। हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहियों के गाड़ी को बर्फीले मैदान में खींचने में माहिर होते हैं। ये जब आक्रामक मूड में होता है तब किसी की भी जान ले सकता है। मलाम्यूट। मलाम्यूट प्रजाति के कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आकार में भेड़ियों के समान दिखने वाले मलाम्यूट का वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ ही एनर्जी और आक्रामकता से भरे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के अनुसार 1966 से 1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वुल्फ हाइब्रिड। वुल्फ हाइब्रिड डॉग्स की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो भेड़ियों और कुत्तों के संकरण से बनी हैं। एक ऐसी प्रजाति वुल्फ हाइब्रिड है। अमेरिका के कई राज्यों में इसी प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बॉक्सर। बॉक्सर प्रजाति को शिकारी कुत्तों का वंशज कहा जाता है। ये अपने मजबूत चबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये कुत्ते सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। इनकी पहचान अड़ियल कुत्तों के रूप में भी है। इनका वजन 30 से 32 किलो के बीच होता है। ग्रेट डैन। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेन कर दिया जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इस कारण से इन्हें किलिंग मशीन नाम भी दिया गया है। इनका वजन 54 से 90 किलो के बीच होता है। हाँ, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं जी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।